जैसे शुभम को जानते हो, तुम्हारे जैसा आदमी है, वीडियो बनाते हैं। सही सही। ब्रेडन के साथ आया हुआ था कजाक से, बहुत मजेदार आदमी थे वो दोनों। तो शुभम भाई अगर देख रहे हो वीडियो तो भाई मिल गए इनसे। अफगानिस्तान से आने के बाद मैं बता नहीं सकता, इतना ज्यादा कल्चरल शॉक मिल रहा है मेरे को। सब कुछ इतना मॉडर्न है भाई, लग रहा है कि भाई कहीं दूसरे जगह पे आ चुका हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल है गाइस हम लोग नो मैंस लैंड में। ये वाला जो ब्रिज देख रहे हो ये कनेक्ट करती है अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान को। तो अभी मेरा इमिग्रेशन में अफ़गानिस्तान साइड स्टैंप लगा, एग्जिट स्टैंप। और ये आप लोग देख सकते हो, ये पटरी देख सकते हो आप लोग। ये पटरी एक्चुअली मालगाड़ी के लिए होती है जो वो लोग लेके जाते हैं अफ़गानिस्तान से उज़्बेकिस्तान। कोई ट्रेन नहीं है, बस ये बस मालगाड़ी के लिए होता है भाई। लेट्स गेट दिस साइड। सही बता रहा हूँ गाइस, समझ नहीं आ रहा कि कैसे बीत गया एक महीना अफ़गानिस्तान में। जब मैं आया था पहले दिन काबुल में, मेरी इतनी फटी पड़ी थी, आप लोगों ने वीडियोस देखा होगा। और कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक महीना रह लूँगा अफ़गानिस्तान में। और विद गॉड ग्रेस गाइस, कुछ गलत नहीं हुआ मेरे साथ, कोई तालिबान के साथ मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ, सब कुछ सही गया मेरा। बट अगर देखा जाए तो जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले वीडियोज़ में भी कहा है कि कुछ भी कहीं पर भी एक्चुअली में हो सकता है अफ़गानिस्तान में, कोई कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप लोग अफ़गानिस्तान में ट्रैवल करना चाहते हो तो आप लोग को थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, जहां पर आप लोग को ये सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे पता है कि अफ़गानिस्तान जा रहा हूं और कुछ भी हो सकता है मेरे को, बट तब भी मेरे को जाना है। और वो मेंटालिटी अगर है तो आप लोग ज़रूर आ सकते हो। अभी फ़िलहाल उज़्बेकिस्तान के अंदर आ चुके हैं हम लोग, और अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोविड टेस्ट करना पड़ा मेरे को। और पता नहीं भाई यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। अभी टेस्ट लिया, कुछ 10-15 मिनट में मेरे को रिपोर्ट दे दिया उन्होंने। अभी रिपोर्ट आया मेरा नेगेटिव। तो अभी यहाँ से फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान इमिग्रेशन में। मुझे पता नहीं कौन सा क्या यूज़ करते हैं ये लोग, मैंने इंडिया में तो इतना जल्दी कहीं पर नहीं देखा कि वो लोग रिपोर्ट दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ करेंसी एक्सचेंज कराए, पता नहीं कितना दिया यार, $50 मैंने एक्सचेंज कराया और इतने सारे नोट्स दे दिए पता नहीं। और नोट्स भी यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े हैं, कुछ 50,000 60,000 एक नोट है यहाँ पे, पता नहीं एग्जैक्टली अभी समझ में आएगा आगे जाने के बाद। बट अभी यहाँ पे अभी कैमरा बंद कर रहा हूँ मैं, इमिग्रेशन होने के बाद फिर अपडेट करता हूँ आपको। ये देखो भाई, ऐसे यहाँ पर ट्रेन माल लेके जाती है उज़्बेकिस्तान से अफ़गानिस्तान, बट पैसेंजर्स जा नहीं सकते इसमें, बस ये गुड कैरियर है ये बस। अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं उज़्बेकिस्तान। जो इमिग्रेशन था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था गाइस, सही बता रहा हूँ मैं। अब तक का ऐसा इमिग्रेशन मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा यार। बैग का कोना कोना चेक करा उन्होंने, ये वाला जो मेरा लैपटॉप का बैग है और जो लगेज बैग है, हर चीज़ उन्होंने निकालने के लिए बोला और उसके बाद चेकिंग करी। पता नहीं मुझे क्या रीज़न था इसके, और थोड़े बहुत हम मैंने पाकिस्तान के लोगों को भी देखा बट उनको चेकिंग नहीं करा, बस मेरे को ही चेकिंग करा उन्होंने। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं अभी हूँ उज़्बेकिस्तान बॉर्डर के पास, और यहाँ से मैंने अभी यहाँ पे शेयरिंग कैब के लिए देखा है जो मेरे को यहाँ से तरमेज़ पे छोड़ेंगे। यहाँ से तरमेज़ को अराउंड 15-20 किलोमीटर है, जिसके लिए कुछ अराउंड 40,000 सोम ले रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि होटल में भी छोड़ देंगे मेरे को। अलाउड नहीं है। मेरा नाम फरहाद है। फरहाद कहाँ से हो? मैं अफगानिस्तान से हूँ, इंडिया से। तुम पाकिस्तान से हो? इंडिया से। इंडिया से। इंडिया से। शुभम को जानते हो, तुम्हारे जैसा आदमी है। हाँ। वीडियो बनाते हैं। सही सही। ब्रेडन के साथ आया हुआ था कजाक से, मैंने उस बायो को अफगानिस्तान ले गया। ये मजार है शुभम ब्रेडन। ओके, तो ये भाई यहाँ पर मेरे को उज़्बेकिस्तान बॉर्डर में मिले। बोलते कि जब शुभम यहाँ से उज़्बेकिस्तान से अफगानिस्तान गया था तो बोल रहे हैं कि
मैंने ले लिया उसको, वहाँ घूम लिया, वहाँ ले गया। बहुत अच्छा आदमी था, उसके साथ ब्रेदन भी था। बहुत क्या कहते हैं हिंदी में, बहुत मजेदार आदमी थे वो दोनों। तो शुभम भाई अगर देख रहे हो वीडियो तो भाई मिल गए इनसे। आपने क्या बताया, नाम क्या बताया? मेरा नाम फरहाद है, शुभम और ब्रेदन मुझे जानते हैं। चलो बहुत अच्छा मजा। तो शुभम भाई की वर्ल्ड वाइड फॉलोइंग है भाई। यहाँ पे बस ऐसे ही बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा था मैं और रिकॉर्ड कर रहा था, तो फिर फरहाद भाई आए, फिर बोलते कि शुभम भाई से मिला था मैं जब वो उज़्बेकिस्तान से अफगानिस्तान क्रॉस कर रहे थे। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी टैक्सी में हूँ मैं, और ये भाई मेरे को अभी तरमेज में छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोई अच्छा होटल में लेके जा रहे हैं। Russian and Uzbek? Good. Uzbek and Russian. Okay. तो यहाँ पे भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पर उज़्बेकिस्तान में रशियन और उज़्बेक बोलते हैं। How to say thank you in Uzbek? Thank you, Rahmat. Rahmat? Uh-huh. In Russia, Russian it's Спасибо. Спасибо. Yeah. Namaste. Namaste. Yeah. Mithun Chakraborty. Mithun Chakraborty. Oh, you know? You know? अभी यहाँ पर हम लोगों ने सिम खरीदा कुछ अराउंड बोल सकते हो 10 GB के लिए, कुछ अराउंड 10 से 12 डॉलर उन्होंने चार्ज करा। काफ़ी ज़्यादा महंगा इंटरनेट है भाई यहाँ पर। एंड अफगानिस्तान से आने के बाद मैं बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा कल्चरल शॉक मिल रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इतना मॉडर्न है भाई, लग रहा है कि भाई कहीं दूसरे जगह पे आ चुका हूँ मैं, ऐसा लग रहा है अभी। ये एक्चुअली देखा जाए तो ये एक्चुअली इस्लामिक कंट्री है, पर लोग यहाँ पर मेरे को खाते हुए मिल रहे हैं। रमज़ान का टाइम चल रहा है अभी और पूरे स्टॉल्स लगे हुए हैं और लोग खाना वगैरह सब कुछ खा रहे हैं भाई। समझ के बाहर है पर काफ़ी सही लग रहा है मेरे को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओपन है। और अफगानिस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी मेरे को रमज़ान के टाइम पर, कुछ खा नहीं सकता था मैं मतलब पब्लिक पर, और यहाँ पर तो सब सही लग रहा है यार। भाई ये क्या है? ये भाईजान, ये इसको इसका नाम लावाश है। अच्छा, उज़्बेकिस्तान का लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, नहीं किस चीज़ का है ये, किस चीज़ का बना हुआ है? चाय है। अच्छा, चाय है ये? चाय है भाई, पर ये बहुत अलग चाय, ग्रीन टी है ये? चाय नहीं है, वो क्या कहते हैं इंडिया में तो बहुत लोग चाय पीते हैं ना, पर ये चाय बहुत अलग है। ये चाय, ये अलग चाय है, बहुत अच्छा चाय है भाई। अच्छा, क्योंकि अफगानिस्तान में ग्रीन टी पीते हैं ना, अफगानिस्तान में वो क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसका रंग क्या है, इसका नाम ब्राउन, ब्राउन ब्राउन चाय लोग पे खाते हैं यहाँ पर, ये कलर। हाँ, और ये लोग इसको पीते हैं भाई। सही। और ये लवाशा, इसका नाम लवाश है भाई। पाकिस्तान में बहुत अच्छा लोग खाते हैं और अफगानिस्तान से भी लोग आते हैं, इसको बहुत पसंद करते हैं। और ये चाय पीने का, ये हम कप में पीते हैं यहाँ पे, ये कटोरी में पीते हैं? कप में पीते हैं, और अफगानिस्तान में कप में हम गिलास कहते हैं। आप क्या कहते हैं? कप, कप, कप कहते हैं, इंग्लिश भी कप। हाँ, इंग्लिश में कप, पर ये तो सूप, सूप के गिलास कैसे है? सब इधर इसको इससे पीते हैं। अच्छा, पानी, पानी एक दूसरा से पहते। सही सही सही, मैं वही बोल रहा था मेरे वीडियो में कि अभी अफगानिस्तान में था थोड़ी देर पहले,
तो वहाँ पे पूरा डिफरेंट था। इधर उज़्बेकिस्तान में आया तो पूरा मॉडर्न है। बहुत कम जगह है कि फासला है इसका, लेकिन वहाँ कोई अलग माहौल है। यहाँ बहुत अलग माहौल है, अलग माहौल है। उस शुभम को मेरा दोस्त जो था इधर था, एक घंटा में यहाँ से अफगानिस्तान गया। वहाँ वो क्या इतना सब कुछ जल्दी बदल हो गया, इसलिए बहुत क्या कहते हैं शौक में आया। शौक में पर सही में यार।